लंच सब कोई को करके जाना है, नहीं तो पैसा पेड है। पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि श्री रामा एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत खुला है, इसको 2006 में स्थापित हुआ था। इसमें जो है कुल मिला के 5 फैमिलीज के मेंबर्स थे। इसमें एक फैमिली जो गई नीरज मातेंडेलिया की हो गई, एक फैमिली हो गई डॉक्टर राजीव गुलाटी की, एक फैमिली हो गई श्याम बिहारी अग्रवाल जो वकील साहब, और एक फैमिली हो गई बनवारी लाल कंचल, और एक मैम। जब डेंटल कॉलेज पास हो गया, एडमिशन उसमें हो गया, तब उन्होंने मेरे को डेंटल कॉलेज में घुसने नहीं दिया। समय समय पर जब भी मैं अपना हिसाब मांगने जाता था या वो कोई भी बात करता था तो मुझे जान से मारने की धमकी देते थे। और अभी पुनः जो अभी लेटेस्ट जो इशू हुआ है वो 29 तारीख को हुआ है, जिसमें मेरे को एक आदमी दिल्ली में आर्मी कॉलेज के सामने जान से दे के गया है। उसने कहा है कि डेंटल कॉलेज को भूल जाओ, नहीं तो पूरे परिवार को उड़ा देंगे। इसकी कंप्लेंट मैंने डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली में कर दी है तथा मेरे को सुरक्षा प्रदान करने की मैं मांग कर रहा हूँ। अभी तक मेरे को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। आपने शिकायत की है, क्या कुछ कार्रवाई है? इसके लिए हमने जो चिट्ठी दी है चीफ मिनिस्टर को दी है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली को दी है, चीफ मिनिस्टर यूपी किया है, और डीएम गाजियाबाद किया है, डीएम गोरखपुर किया है, और धमकी किसने? आपने एक फोन पे धमकी की बात कही थी गोरखपुर में 2006, किसने धमकी दिया था? क्या वो हमको पता नहीं, और रात में 1:30 बजे आया था तो हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ पे हमारे पर अटेम्प्ट किया गया था 2006 में। हमारे ख्याल से उसको इतना याद आ रहा है कि ये धमतीरस वाला दिन था। मामला जो है आपसी सुलह से एसओ सैजनवा में सुलह हो गई। अच्छा, किस माध्यम से आपको धमकी दी गई? मोबाइल फोन पे आपको मैसेज आया था या फिर फोन करके धमकी दी गई? कब? अभी अभी तो मेरे को एक आदमी हो गया। ये बताइए उस आदमी ने किसके कहने पर धमकी दी? अब वो आदमी जो है हमारे जो बाकी के चारों पार्टनर हैं, उनमें से बनवारी लाल कंचल, नीरज मातेंडेलिया, श्याम बिहारी अग्रवाल, डॉक्टर राजीव गुलाटी। क्या आप पहचान पाए उस आदमी को? आपको किसी पे शक है कि कौन आपको धमकी दे रहा है और किस वजह से दे रहा है? भाई हमारा और किसी से तो कोई भी लड़ाई झगड़ रहा है, तो क्या इसमें इन चारों के अलावा और कोई नहीं हो सकता? हमें जो शक है इन चारों के अलावा कोई नहीं।